तो यहाँ पर मेरे पास हैं ये डॉम्स के कलर्स जिनको मैंने यूज़ किया है एंड वाइट कलर की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है क्योंकि इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है डिटेलिंग में एंड ईच एंड एवरी टाइम तो अब मैं स्टार्ट करूँगी पेंटिंग करना तो पेंटिंग के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वाटर कलर शीट का एंड फर्स्टली आई विल स्टार्ट फ्रॉम दी रफ स्केच सो so, हमें रफ स्केच से एक एक्जैक्टली exactly रेफरेंस मिल जाती है कि हमें क्या पेंट करना है कहाँ कहाँ हमें ड्रा करना है सो so, इसलिए जल्दी से मैं फर्स्ट पार्ट को फ़टाफट से कंप्लीट करती हूँ एंड रफ स्केच हमारा हो चुका है रेडी एंड दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड अब आ रही आती है हमारे मेन पार्ट की एंड दैट इज़ कलरिंग करना तो यहाँ पर मैं पोस्टर कलर्स के डिफरेंट शेड्स को यूज़ करूंगी एंड हेयर आई है रेड एंड वाइट कलर जिससे कि ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का शेड आया है सो so इसको मैं जल्दी से बैकग्राउंड में कंप्लीट करती हूँ एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे अदर पार्ट्स की ओर एंड बाय द वे ये पिछावई पेंटिंग हमारी बहुत ही प्यारी सी इंडिया की ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में एक है सो दिस इज़ देंटिंग विच ओरिजिनेटेड इन राजस्थान तो बहुत ही प्यारी ये पिछआई पेंटिंग है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ की ये पिछवाई कार्स जो होती हैं दिस आर सिम्बल ऑफ लव जॉय वेल्थ पीस एंड ऑल दी थिंग्स सो बहुत ही प्यारी सी ये हमारी ब्यूटीफुल सी पिछवाई पेंटिंग है जिसको आज मैं करूँगी बाय द वे ये वाली पेंटिंग्स मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रॉल की वीडियोज़ देखी यूट्यूब पे कोई अपनी घर के वॉल्स पे पेंट कर रहा है कोई यहाँ पर कपड़ों के ऊपर पेंटिंग हो रही है सो आई थॉट दैट आई शुड ऑल्सो ट्राई दिस पेंटिंग एंड वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लेकर आज मैंने सोचा कि क्यों ना पोस्टर कलर्स के साथ इसको मैं पेंट करूँ एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो ऐसी पेंटिंग करने में बाय द वे जो ट्रेडिशनल जो हैं इंडियन पेंटिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं एंड बहुत ही ज्यादा इसके साथ हमें नॉलेज मिलती है कि क्या क्या हमारी ये पेंटिंग्स हैं इंडिया की एंड कौन कौन से कल्चर्स में कौन कौन सी पेंटिंग्स होती है सो so बहुत ही हमारे ये नॉलेज गेन होती है इसके साथ सो so ये हमारी बैकग्राउंड हमारी हो चुकी है रेडी एंड अब बारी आती है यहाँ पर जो लोटस फ्लावर्स हैं एंड उनके जो पत्ते हैं इनको कलर्स करने की तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर एंड इसको मैं जल्दी से कम्प्लीट करती हूँ एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे प्यारे से फ्लावर्स की ऑपर भारी जाती है हमारे मेन पार्ट की एंड दैट इज दी फलोटस फ्लावर्स तो इनको अब मैं पेंट करूंगी तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लाइटर शेड ऑफ़ येलो कलर एंड लाइटर शेड ऑफ पिंक कलर तो बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है एंड द वे पिछवाई पेंटिंग्स में लॉटस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीज आर दिम्बल्स ऑफ प्योरिटी ब्यूटी एंड एनलाइटमेंट इन पिछवाई पेंटिंग्स लोटस हम देखते हैं कि बहुत ही प्यारा सा होता है एंड इट इज़ इन स्टेज ऑफ ब्लूमिंग जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारी सोल को फ्रॉम डार्क टू लाइट सो इसलिए पिछवाई पेंटिंग्स में मोस्टली हम देखते हैं लॉटस फ्लावर्स सो बहुत ही प्यारे से ये फ्लावर्स है तो इनको मैं जल्दी से कंप्लीट करती हूँ एंड देन उसके बाद हमारा हम पेंट करेंगे हमारी मेन एलिमेंट एंड देट इज़ पिछवाई काओ तो ये हमारे जल्दी से कंप्लीट करते हैं लोटस फ्लावर्स एंड बाय द वे इन पेंटिंग्स को करने में बहुत ही मज़ा आता है तो so, इस पेंटिंग में फर्स्ट टाइम एवर ट्राई करने जा रही हूँ तो बहुत ही प्यारी ये पेंटिंग है अभी से इतनी प्यारी लग रही है एंड जब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे तो बहुत ही प्लीटी लगेगी तो यहाँ पर मैं जल्दी से एड करती हूँ कलर्स एंड देन उसके बाद आउटलाइन करेंगे इन फ्लावर्स को एंड देन उसके बाद हम अभी मूव करेंगे हमारे अदर पार्ट्स की और एंड वैसे ये वाली पेंटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी होती है इसमें कई बार हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पिछुआई पेंटिंग्स कहीं में लॉर्ड कृष्ण जी हैं एंड कई में ओनली काउज़ है सो आई थॉट आई शुड ओनली ट्राई दिस काउ सो जल्दी से इसको मैं कंप्लीट करती हूं सो so, अब बारी आती है यहाँ पर सम शेडोज़ ऐड करने की डिटेलिंग्स ऐड करने की तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ डार्कर शेड्स ऑफ रेड कलर पिंक कलर ये जो भी मैंने बनाया है इसका डार्कर शेड बाय यूजिंग दी रेड कलर तो अब मैं फटाफट फट से यहाँ पर शेडोज़ ऐड करूँगी डिटेलिंग्स ऐड करूँगी लाइटर एंड डार्कर शेड्स को यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे अनदर पार्ट की ओर सो so, अब बारी आती है हमारे मेन पार्ट की जिससे कि हमारी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लुक मिलेगा एंड दैट इज़ आउटलाइनिंग एंड डिटेलिंग तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ डार्कर शेड्स ऑफ ग्रीन कलर क्योंकि पहले हमने यूज़ किए थे लाइट जो शेड्स एंड वैसे हमारी बैकग्राउंड थोड़ी सी ब्राइट है सो उस लिए उसके कॉन्ट्रास्ट हमें थोड़ा सा लाइट शेड्स को यूज़ करना पड़ेगा बट फॉर डिटेलिंग तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी डार्कर शेड्स जिससे कि बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो एंड देन उसके बाद अब मैं फटाफट से सारी आउटलाइनिंग को कम्प्लीट करूँगी एंड देन उसके बाद हमारी काओ बाकी है जिसको हमें अभी पेंट करना है डिटेलिंग ऐड करनी है तो फर्स्टली जो मुझे अदर एलिमेंट्स है उसको कंप्लीट करूंगी एंड लास्ट में हम ऐड करेंगे कलर ऑन दी काओ, तो फटाफट से इसको मैं कंप्लीट करती हूँ अब बारी आती है इन पत्तों के ऊपर डिटेलिंग्स ऐड करने की तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट पोस्टर कलर्स का एंड फटाफट से इसके ऊपर भी डिटेलिंग्स ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद हम देखते हैं इसका फाइनल लुक तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड अभी भी मुझे बहुत सारी डिटेलिंग्स ढेर सारी ऐड करनी है क्योंकि मुझे डिटेलिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट है पेंटिंग्स में एंड जल्दी से यहाँ पर मैं डिटेलिंग्स ऐड कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद लाइटर शेड्स डार्कर शेड थोड़ा सा ये लिस्टिक लुक देंगे हम इन्हें मूव कर रहे हैं हमारे लास्ट एलिमेंट की और एंड दैट इज़ दिस पिछवाई काओ तो इसको मैं आउटलाइन करूंगी फर्स्टली बाय ब्लैक पोस्टर कलर्स एंड देन उसके बाद हम ऐड करेंगे छोटी छोटी ननी ननी डिटेलिंग क्योंकि इसमें हमें कलर नहीं करना है ऐसे ही हमें वाइट रखनी है सो so, क्योंकि वाइट काउज होती हैं सो so इसलिए यहाँ पर मैं कोई भी कलर ऐड नहीं करूँगी ऑनली डिटेलिंग्स ऐड होंगी तो जल्दी से उसके पहले पैरों के ऊपर मैं डिटेलिंग्स ऐड करती हूँ एंड देन उसके बाद छोटी छोटी सी और बहुत सारी डिटेलिंग्स है उसको हम करेंगे सो so, हमारी आउटलाइन हो चुकी है रेडी एंड अब बारी आती है यहाँ पर डिटेलिंग्स ऐड करने की एंड सम कलर्स ऐड करने की तो जहाँ जहाँ पर मुझे कलर्स ऐड करने हैं वहाँ पर मैं ओनली कलर्स ऐड करूँगी सारी काओ पे मैं यहाँ पर ऐड नहीं करने वाली कलर तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे और डिटेलिंग्स सो मोस्ट ऑफ़ दी पिछवाई पेंटिंग्स हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी काउज़ होती हैं एंड ये रिप्रेजेंट करती हैं सिंबल ऑफ अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी सो इसलिए लॉर्ड कृष्णा के साथ हमेशा काउज़ होती थी सो so अब हमारी काउ भी ये हमारी पेंटिंग में रेडी हो चुकी है एंड थोड़ी बहुत और डिटेलिंग ऐड करने के बाद हमारी ऑलमोस्ट पेंटिंग हो जाएगी रेडी बट अभी और डिटेलिंग्स बाकी है क्योंकि मैं इस पेंटिंग को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल करना चाहती हूँ एंड इसे मैं यूज़ करूँगी एज़ अ होम डेकोर क्योंकि ये बहुत सारी एक बहुत ही हमारी प्यारी सी ट्रेडिशनल पेंटिंग है इंडिया की एंड होम डेकोर में ये बहुत ही प्यारी लगेगी सो so, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा पीठी बनाना चाहती हूँ तो जल्दी से डिटेलिंग्स एड करने के बाद हम मूव करेंगे हमारी बैकग्राउंड में एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी और डिटेलिंग्स एंड छोटे छोटे लाइटर शेड्स ऐड यूज़ करेंगे छोटी छोटी ननी ननी डिटेलिंग्स ऐड करेंगे भर भर के एंड देन उसके बाद हमारी पेंटिंग हो जाएगी रेडी तो यहाँ पर लास्ट में मैंने मोर के पंख भी ऐड कर दिए हैं एंड अब बारी है छोटी छोटी और डिटेलिंग्स को कंप्लीट करने की जो कि हमारी काओ को हाईलाइट करती हैं एंड देन उसके बाद लास्ट में अब मैं यहाँ पर जो ये एक बॉर्डर बना है इसको मैं आउटलाइन करूंगी सो so देट ये बहुत ही प्यारा सा एस्थेटिक सा एक लुक दे एंड okay. इसको कंप्लीट करने के बाद हमारी पेंटिंग हो जाएगी रेडी तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं तो so, पेंटिंग हमारी रेडी हो चुकी है सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ दिस पेंटिंग एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये मेरी पेंटिंग कैसी लगी एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलती हूँ ऐसी ही बहुत ही प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल देन बाय